गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली आपको मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। खुश रहिए, मजे करिए। और देखो नया, आज दिवाली और मैं कितने बजे उठी हूँ आपको पता है? अभी सुबह के 6 बजे रहे हैं और मैं 6 बजे उठ गई हूँ। मतलब हम सब लोग घर वाले 6 बजे उठ गए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यार दिवाली आज तो जल्दी उठना ही है। यार आप सबको पता है, बचपन से ही है ना, मैं दिवाली के दिन है ना एकदम जल्दी उठ जाती थी, फिर उठना लगा के नहाती थी, नए नए कपड़े पहनती थी और फिर उसके बाद में हम लोग है ना सुबह सुबह ही पटाखे फोड़ते थे और शाम को भी पटाखे फोड़ते थे। तो उसी के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी बचपन से कि हाँ आज है ना हमको पटाखे फोड़ने हैं। आप सबको पता है दिवाली के दिन है ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट नए कपड़े पहनने में और पटाखे फोड़ने में होती है। किस किस के साथ ऐसे होता है बताओ तो कॉमेंट्स में। मेरे साथ तो हर साल होता है, आज भी हो रहा है। आप सबको पता है कृष्णा है ना दादी के घर जाके बैठा हुआ है, 4-5 दिन हो गए। तो आज दिवाली है तो मैं उसको बोल रही हूँ कि दादी दादा के साथ है ना इधर आ जा। हेलो, हाँ मैं बोल रही कि अभी इधर आ जा आज, तू समझा ना। देखो पता है हमने ना लहसुन वाले पटाखे लाए, फिर सुरसुरी लाई है, बहुत अच्छे अच्छे पटाखे लाए पता है। चलो कृष्णा आ जाएगा, नानी ने मुझे बोला है कि तू तैयार रहे, मैं आज तेको निलाती हूँ। तो आज मुझे ना नानी निलाने वाली, उठना लगा के और बहुत घिस के निलाने वाली, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने नानी के हाथों से नींद आया। Let's go, ready. लगता है आज ना मेरी भी घिसाई होने वाली है नानी के हाथ से, आज मैं भी घिसने वाला है। क्या यार ये नानी अभी वो आ गए लेके और पूरी स्किन छिल डालेंगे, अभी गस गस के नहलाएंगे नानी, पूरा छिल के रख देंगे अभी मेरे को। देखो ये कैसे मारता है मेरे को। तो अभी है ना सबसे पहले नानी टीका करेगी, फिर उसके बाद में उठना लगाएगी। से टीका होने के बाद में पापा की तकदीर खुल जाती मालूम क्या? अच्छा हाँ, ये लो चॉकलेट खा। आशीर्वाद दो पापा, बड़ा सा आशीर्वाद दो। हाँ बड़ा सा आशीर्वाद देंगे। चल बच्चा तेरी बारी। जब बेटी है ना पापा का टीका करती है ना तो पापा हर काम में है ना आगे रहते और हमेशा वो जीतते रहते। ओ, खुश रहे बच्चे, बहुत तरक्की कर। आजा बैठ बैठ। अब हमारी छिछवाड़ी की बारी। मोगली क्यों बना हुआ चीतू? अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा मुझे ना रंगोली निकालना बहुत अच्छा लगता है।
आई नो कि मुझे ना इतनी परफेक्ट रंगोली बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी यार मैं ट्राई करती हूँ। और सारी लड़कियों का यही होता है कि ना दिवाली पे एक अच्छी सी रंगोली बनानी है, बड़ी सी रंगोली बनानी है यार। लेकिन सच में दिवाली के दिन है ना एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही खुशी होती है कि नए कपड़े पहनने हैं, रंगोली बनानी है, पटाखे फोड़ने हैं, है कि नहीं? आपके साथ भी ऐसा होता है? बताओ, क्या बोल रहे हो? तेरे फैंस आए थे को बुला रहे। Na 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 na
क्यूट लगता है ना ब्लश लगाने के बाद में, मुझे तो ब्लश लगाना बहुत पसंद है। है मेरी अर्धांगिनी। ओ, ये रही आपकी अर्धांगिनी। चमचम चूड़ियों से हाथ चमक रहा। तो आज का हमारा महालक्ष्मी पूजन होगा हमारे बच्चों के हाथों से। ओ, इसकी शुरुआत करेंगे काव्या। चलो आ जाओ। चलो चलो, आज का पूजा का मान है डिब्बू का। चलो छोड़ना, मतलब कृष्णा नहीं छोड़ता फिर। लेकिन कृष्णा और मामा दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना बच्चे? हाँ। चलो फाइनली चलते हैं पटाखे फोड़ने और धमाके करने। लेट्स गो। यार पर दिव्या अभी तक नहीं आई, उसके लिए ना हम एक नया सा ड्रेस यहाँ पे रखते हैं। जब वो आएगी ना तब वो ये ड्रेस पहनेगी, और जब हम पटाखे फोड़ रहे होंगे ना तब दिव्या जरूर आएगी। उसके बाद में ये वो जो नहीं उड़ता ऊपर जाके, वो है ये
होंगी वो क्या बोलते हैं उसको फुलझड़ी बड़ा सा ये रही अनार है इसमें हाँ हाँ अनार और ये देखिए फुलझड़िया और ये तेरा फेवरेट लहसुन पटाखा ओह माय गॉड ये देखो कितने सारे पटाखे और वो है ना स्काई बूस्टर है बच्चे वो 15-20 मिनट फटते रहते हैं पता है देखो समझा हाँ नहीं 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 दूर हट दूर हट देखो चीवे पटाखे फोड़ रहे लहसुन पटाखे अभी तुम सब लोग उसको लहसुन लहसुन बोल रहे तो मेरे को लगा वो खाने का है वो बड़े बड़े बम फोड़े इधर देख इससे सुनेगा क्या तू पापा के सुनने के देखो छोटे छोटे बम से डर रहा पापा ने लोगों के घर में बम फोड़े लोगों के बड़े बड़े दरवाजे तोड़े हाँ तो छोटे बम से उड़ गया तो चलो हम है ना सभी नेबर्स को उनका दिवाली गिफ्ट दे देते हैं ओह माय गॉड
चलो आ जाओ। आ रहे हैं। अब क्या पापा ये बड़ा वाला पटाखा फोड़ना है? रेडी है क्या सब लोग? यस, सब लोग रेडी है। चलो आ जाओ। अभी हम ये बड़ा वाला पटाखा फोड़ेंगे जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे। देख कर नहीं जल सकते थे? चल नहीं सकते थे क्या? तो
रॉकेट को समझा नहीं, क्या वो नहीं देख सकता था कि मैं इधर नीचे बैठा था, मेरे ऊपर क्यों गिरा वो आके? ठीक है, अच्छा लगा तो नहीं? अच्छा भी हुआ, लगा भी नहीं। ये क्या था? चलो ठीक है, जाने दो।